ने देखा था सैनॉक के अंदर भी, उन्होंने वो ओपनिंग दिलाई थी अपनी टीम को। बहुत एक अंडररेटेड खिलाड़ी है। एंड इस बार रेवनी स्पोर्ट्स आए एक तो थे, और बट आईक्यू सोल बनाम 8-bit, ये हम अर्ली फेजेस पे नहीं देखते। बट आईक्यू सोल, इन्होंने थोड़े से प्लान में चेंजेस करे थे और अर्ली रोटेट कर लिया रुजॉक से आराम। चेयर में मेरे साथ है राहुल, टीएक्स के कोच। राहुल साहब क्या हो रहा है, क्योंकि अभी आप देखे बहुत जल्दी टीम बाहर हो गई, 5 मैच खत्म हो गए 13 पॉइंट से। आई मीन जब भी ग्लोबल स्पोर्ट्स और गॉड लाइक की फाइट होती है, आईक्यू सोल कहाँ से उनको सूंघ लेते हैं, पीछे पड़ जाते हैं। और बीस्ट इनका पतन अभी थोड़ी देर पहले ही देखने को मिला। एंड ग्लोबल स्पोर्ट्स कोई और चारा नहीं है। आईक्यू सोल ये कहाँ से आके पहुंच गए, ये भी तलाश रहे हैं उन फिनिशेस की तरफ। बट ओरैंगुटैन अब देखिए वो फिनिशेस भी चुरा रहे हैं। फर्स्ट एड, उस क्रेट में फर्स्ट एड नहीं मिली, उस क्रेट में हेक्टर को फर्स्ट एड नहीं मिली। दो फर्स्ट एड्स हैं क्या और हैं जी, चलिए एक फर्स्ट एड, बट उसके अलावा कुछ भी नहीं। He needs to go for the heal battle. दूसरी तरफ वेनम भी हैं, उनके पास भी दो फर्स्ट एड्स। इनमें से कौन पहले खत्म होगा, कौन एक एक्स्ट्रा पोजिशनल अंक लेकर के जाएगा। आईक्यू सोल हर डायरेक्शन में देख रही है और बैक साइड पर इनफैक्ट थ्रोएबल्स किए जा रहे हैं। वेनम अब फाइट लेने के लिए तैयार है, मोस्टली हेक्टर को खत्म करेंगे। जी हाँ, और खुद भी यहाँ पर खत्म हो सकते हैं, उनकी लोकेशन पता चली। बट ही गोज डाउन बाय द जोन और अब बची है 4 टीमें, जिसमें ओरैंगुटैन, सोल, गॉड लाइक एंटिटी स्टिल सर्वाइविंग, एक्विनॉक्स और पंक की तो दाद देनी पड़ेगी। पंक के पास 9 फर्स्ट एड्स भी पड़ी हुई थी और यहाँ पे पूरा अवसर है उनके पास पेशेंस गेम दिखाएं। जैसे मिस्टर आईजीएल ने हंट किया था, स्नाइप किया था गॉबलिन को, वैसा ही अगर कुछ कर सकते हैं तो बेहतरीन रहेगा। ऑलरेडी गॉड लाइक जो फर्श पे थे, ऑलमोस्ट उनको अर्श पे लेके आ चुके हैं ये टीम। और इनफैक्ट ये प्लेयर पंक सामने आतंकी है, किसी भी क्षण यहाँ पे वो चार्ज इन करेंगे। इनफैक्ट बेहतरीन नॉक, आतंकी ऑलरेडी डाउन हो चुके हैं। बट इस बात के बारे में वाकिफ हो चुकी है टीम आईक्यू सोल, उनके पास हाई ग्राउंड है, बट एक भी टीम ओशन सर्कल के अंदर नहीं मौजूद। ओ, ये मोलोटोव पंक को खा सकता है, वो कोशिश कर रहे हैं बचने की। इनफैक्ट हल्का सा डैमेज पड़ेगा, लेकिन साइड लाइन से जोकर उन्हें टेक डाउन करेंगे। और ओरैंगुटैन के लिए भी दरवाजे बंद करने के लिए आईक्यू सोल आ चुके हैं सर्कल में। एंट्री आईक्यू सोल ओरैंगुटैन से गेम छीन सकती है। आरू सर्वाइव कर रहा है, एक्विनॉक्स को भी खत्म करने की कोशिश। नकुल लेकर के जाएंगे वो फिनिश। 8 फिनिशेस इस टीम के पास और आगे के फिनिशेस इस टीम को पहली पोजिशन के करीब लेकर के आएगी। और ओरैंगुटैन से, ओरैंगुटैन के जोन में ओरैंगुटैन का गेम छीनने के लिए आईक्यू सोल तैयार तैनात तत्पर। और इसी के साथ दूसरा चिकन डिनर आईक्यू सोल ने अपने लिए कमा लिया है। कब से हम कह रहे थे, कब से हम पूछ रहे थे, जोकर क्यों नहीं खेलते इस रोस्टर के अंदर, आज आए, बाहर भी आए। आईक्यू सोल दूसरा चिकन डिनर और इस बार एरेंगल की एक काल्पनिक दुनिया में। ओरैंगुटैन का एक डिफॉल्टी अप्रोच था, यहाँ पे सर्कल को मान्यता दी, अननेसेसरी फाइट्स नहीं निकाले, बट पंक जाते जाते ओरैंगुटैन का वो चिकन डिनर उनके हाथों से छीन के भी चले गए। डेफिनेटली वो चिकन डिनर उनसे छीना और आईक्यू सोल के लिए वो चिकन डिनर बना। सही टाइम पर जोन के अंदर एंट्री कर जाना, सारे खिलाड़ियों का फाइट लेना, कमाल का था। लेकिन अब सुरेन पूछेंगे सवाल और आईक्यू सोल दूसरे चिकन डिनर का देंगे जवाब। भाई लोग, पहला चिकन डिनर आदत सी बना ली है। हाउ स्वीट डज इट फील कि जो टीम इस मैच के पहले टॉप ऑफ द लीडर बोर्ड थी ओरैंगुटैन, उनको अपने फाइनल फाइट में ध्वस्त किया। लाइक अभी तो अच्छा ही लग रहा है, क्योंकि हमने जैसे ही देखा कि सेकंड पे ओसी मरी है और हमने इन मारा है उनको, तो हमें इतना है कि हम थोड़ा ऊपर आए टेबल में एंड हमें कंसिस्टेंट रहना है बस अभी। पाजी, हाँ, जोकर को लेके आए और ये जोकर जो है ये ताश की गड्डी में हुकुम का इक्का निकला, क्या ऐसी ही इम्प्रूवमेंट हम देखने वाले हैं आने वाले मैचेस में? जरूर आपको इम्प्रूवमेंट दिखेगी। लाइक अभी जोकर आया, आते ही चिकन आया, तो सोच लो ये लकी चार्म है हमारे लिए। यू नो, आप सर्कल के बाहर गए थे 8-bit से फाइट लेने के लिए, तो क्या सोच थी उसके पीछे? सर्कल के बाहर नहीं गए थे, लाइक तब कुछ और प्लान था, वो एकदम से 8-bit आगे आ गई। तो आप एक सेकंड बाजी, टहलने गए थे वो, ये बोलता भी है। हाँ बोलिए बोलिए। कुछ नहीं बोलता था, टहलने गए थे हम बस। ओके, तुम्हारी खुद की परफॉर्मेंस जो है वो इतनी शानदार रही है, आई मीन इफ देयर इज अ वैल्यूएबल परफॉर्मेंस इन दिस मैच वो डेफिनेटली तुम्हारे नाम जाएगी। हाउ डज इट फील टू बी ऑन दिस डेस्क प्लेइंग विद दीज बॉयज एंड पिकिंग अप अ चिकन डिनर ऑन योर रिटर्न? लाइक इतने टाइम बाद चांस मिला है, उसको प्रूव करना है मुझे। बहुत शांत स्वभाव के लड़के हैं लेकिन